हेलो एंड वेलकम टू डीजे इंग्लिश हब। बच्चों, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की कड़ी में चलिए आज हम करते हैं किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले मेरे साथ आप एक बार लेसन को रिवाइज भी कर लें ताकि आपको सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाए। सो रिवाइज द लेसन विथ मी बिफोर यू बिगिन। देयर वॉज वंस अ किंग ऑफ इंग्लैंड हुज नेम वॉज जॉन। He was a bad king, for he was harsh and cruel to his people. And so long as he could have his own way, he did not care about his subjects. Now there was in the town of Canterbury a rich old abbot, head of monks, who lived in a big house called the Abbey. तो इस हिस्से में हमने क्या जाना कि ये कहानी एक राजा की है, किंग ऑफ इंग्लैंड, जिनका नाम है जॉन। वो बहुत ही बैड किंग थे, ही वॉज़ वेरी हार्श एंड क्रूअल, काफ़ी क्रूर राजा थे और उन्हें सिर्फ अपनी ही मनमानी चाहिए थी। ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का अर्थ यहाँ हो गया प्रजा। और उसी राज्य में एक एबट थे, एबट ऑफ कैंटरबरी। एबट हम कहते हैं हेड ऑफ मॉन्क्स को, और वो जिस मकान में रहते थे उसे कहा जाता था एबी। एवरी डे 100 नोबल मैन सैट डाउन विथ हिम टू डाइन, वाइल 50 ब्रेव नाइट्स इन फाइन वेलवेट कोट्स एंड गोल्ड चेन्स वेटेड अपॉन हिम एट हिज टेबल। व्हेन किंग जॉन हर्ड दैट द एबट वॉज लिविंग अ बेटर लाइफ देन अ किंग, ही मेड अप हिज माइंड टू पुट अ स्टॉप टू इट। So he sent for the old man to come and see him. अब यहाँ एबट के लाइफस्टाइल के बारे में बताया जा रहा है कि हर दिन करीब 100 नोबल मैन या अच्छे घरों के जो अच्छे तबके के जो लोग होते थे वो उनके साथ भोजन करते थे। डाइन यानी भोजन करना, और जबकि 50 बहादुर नाइट्स यानी पहले के समय में हम सोल्जर्स या सिपाही को कहते थे, जो बिल्कुल फाइन वेलवेट के कोट पहने होते थे या गोल्ड चेन लगे हुए, वो एबट के सेवा में खड़े रहते थे। तो जब किंग जॉन ने यह बात सुनी कि एबट उससे बेटर लाइफ लीड कर रहा है, वॉज लिविंग अ बेटर लाइफ देन अ किंग, उन्हें लगा कि मुझे इसको रोकना होगा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक जेलसी हुई होगी, एक जलन हुआ होगा। तो उन्होंने ओल्ड एबट को बुलवाया। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज जॉन? अ नोबल मैन, किंग ऑफ इंग्लैंड, अ ब्रेव नाइट या एन ओल्ड एबट? तो इसका सही जवाब क्या होगा? किंग ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द हेड ऑफ मॉन्क्स known as? Options are knight, king, abbot, shepherd. तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए कि हम head of monks को क्या कहते हैं? Yes, abbot. अब चलते हैं question 3 पे। What had King John heard about the abbot? Option A, that he was a bad abbot. Option B, that he lived a better life than a king. C, that he had 50 servants. And D, that he dined better than a king. तो ऑप्शंस को पढ़ते वक्त ये ध्यान रखें कि कौन सा ऑप्शन सारी चीज़ों का समावेश है। तो इसको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन बी, दैट ही लिव्ड अ बेटर लाइफ देन अ किंग। वो राजा से भी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। क्वेश्चन 4, विच वर्ड इन द फर्स्ट पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ काइंड? तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको काइंड का विलोम ढूंढना है और यह शब्द पैसेज में मौजूद था। तो आप ऑप्शंस देख लें, हार्श, क्रूअल, बैड, नोबल। तो आपके हिसाब से काइंड यानी दयालु, उसका ऑपोजिट या विलोम क्या होना चाहिए? क्रूअल।
क्रूवल यानी क्रूर। अब देखते हैं अगला हिस्सा। सीन वन, पहला दृश्य कहाँ है? किंग जॉन के दरबार में, और किंग जॉन कह रहे हैं, वेल फादर एबट, आई हियर दैट यू कीप अ फार बेटर हाउस देन आई। हाउ डेयर यू डू सच अ थिंग? डोंट यू नो दैट नो वन इन द लैंड शुड लिव बेटर देन द किंग? तो किंग जॉन फादर एबट के सामने खड़े होकर उनसे सवाल जवाब करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि मैंने सुना है, आई हियर, कि आप मेरे से बेटर हाउस रखते हैं। क्या आपको नहीं पता कि इस राज्य में राजा से बेहतर जीवन शैली बिताने की इजाज़त किसी को नहीं है? अब इस पर एबट का जवाब क्या था? ओ किंग, आई बेग टू से दैट आई एम स्पेंडिंग नथिंग बट वॉट इज़ माई ओन। आई होप दैट यू विल नॉट मिसअंडरस्टैंड मी फॉर मेकिंग थिंग्स प्लेजेंट फॉर माई फ्रेंड्स एंड द ब्रेव नाइट्स हु आर विथ मी। तो एबट ने सफाई देना चाहा। एबट ने कहा कि राजा, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं जो भी स्पेंड कर रहा हूँ वो मैं अपने ही पैसों से मैं खर्च कर रहा हूँ, और ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे मित्र खुशी से रहे, वो सुख से रहे। टू मेक थिंग्स प्लेजेंट फॉर माई फ्रेंड्स, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू। ऑल दैट देयर इज़ इन दिस लैंड इज़ माइन बाई राइट, एंड हाउ डू यू डेयर टू पुट मी टू शेम बाई लिविंग इन ग्रैंडर स्टाइल दैन आई? वन वुड थिंक दैट यू वर ट्राइंग टू बी किंग इन माई प्लेस। किंग जॉन ने जवाब में कहा कि कोई क्वेश्चन या सवाल ही नहीं है कि मैं मिसअंडरस्टैंड करूँ या मैं गलत समझूँ। इस लैंड में जो भी चीज़ है वो मेरा है अधिकार के रूप में, और आप इस तरह से मेरे से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी बिताकर मुझे शर्म में डाल रहे हैं। आपको देखकर तो कोई ये कहेगा कि आप मेरी जगह पर राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर एबट काफ़ी लज्जित हुए। उन्होंने कहा, ओह डू नॉट सी सो फॉर आई, ऐसा ना कहे महाराज, क्योंकि मैं, लेकिन किंग जॉन ने उसकी बात पूरी ना होने दी और कहा, नॉट अनादर वर्ड, क्राइड द किंग, एक और शब्द नहीं। योर फॉल्ट इज़ प्लेन, आपका दोष बिल्कुल साफ है, एंड अनलेस यू कैन आंसर मी थ्री क्वेश्चंस योर हेड शैल बी कट ऑफ एंड ऑल योर रिचेस शैल बी माइन। तो यदि आपने मेरे तीन सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं आपका सर कलम करवा दूंगा, यानी हेड। पहले के ज़माने में राजा अक्सर ऐसे ही सजा सुनाए करते थे कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, हेड शैल बी कट, और जितने भी आपकी संपत्ति है, रिचेज है या धन है, वो मेरा हो जाएगा। इस पर एबट ने क्या कहा? आई विल ट्राई टू आंसर देम ओ किंग, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। अब किंग जॉन ने कहा, वेल देन एज आई सिट हियर विथ माई क्राउन ऑफ गोल्ड ऑन माई हेड, You must tell me within a day just how long I shall live. Secondly, you must tell me how soon I shall ride round the whole world. And lastly, you shall tell me what I think. तो बच्चों, यहाँ पे किंग जॉन ने तीन सवाल कर दिए एबट के सामने। उसने कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, सिट यानी बैठा हूँ, और मेरे सर पर क्राउन ऑफ गोल्ड है, मुकुट है, और मैं तीन सवाल करता हूँ। पहला सवाल उसने क्या कहा? हाउ लॉन्ग आई शेल लिव, मैं कितने सालों तक ज़िंदा रहूँगा, मैं कितना समय ज़िंदा रहूँगा। और दूसरा कहा कि मुझे बताना होगा कि हाउ सून आई शेल राइड राउंड द होल वर्ल्ड, यदि मैं पूरी दुनिया की सैर करना चाहूँ, होल वर्ल्ड की, तो मैं कितना जल्द से जल्द कर सकता हूँ, कितना समय मुझे लगेगा। और थर्ड क्वेश्चन था, You shall tell me what I think. आपको बताना होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो ये सवाल राजा ने जानबूझकर किए होंगे ताकि एबट इनके जवाब न दे सके। तो अब करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। What had the abbot to do in order to save himself? Option A, serve the king lifelong, पूरी ज़िंदगी राजा की सेवा करनी पड़ती। Option B, Give away the abbey to the king, अपना घर राजा के हवाले करना होता। Option C, answer four questions, चार सवालों के जवाब देने थे। या Option D, answer three questions। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा, आपने गेस कर लिया होगा।
Yes, answer 3 questions. Next, what punishment was to be given to the abbot if he failed? All his wealth was to be taken away. He would be beheaded. Beheaded का अर्थ है बच्चों सर धड़ से अलग कर देना या सर काट दिया जाएगा. Both A and B, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों के ही जो बातें हैं वो लागू होती. या ऑप्शन डी, ही वॉज टू बी सेंट आउट ऑफ द कंट्री, उसे देश निकाला की सज़ा सुनाई जाती. यस, ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन 7, व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस दैट किंग जॉन आस्क्ड? हाउ लॉन्ग शैल आई लिव? How soon shall I ride round the world? What do I think at the moment? Option B. How long shall I rule this kingdom? How soon shall I ride round the world? What do I think? Option C. How long shall I live? How long shall I ride round the world? How rich shall I be? और ऑप्शन डी, हाउ लॉन्ग शैल आई रूल द वर्ल्ड, हाउ लॉन्ग शैल आई लिव, हाउ वास्ट इज माई किंगडम. और आपने ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ा होगा तो इसका सही जवाब क्या होगा? यस, ऑप्शन ए, हाउ लॉन्ग शैल आई लिव, मैं कितना समय बचूंगा. हाउ सून शैल आई राइड राउंड द वर्ल्ड, मैं कितने समय में पूरी दुनिया का चक्कर लगा पाऊंगा. एंड वॉट डू आई थिंक एट द मोमेंट, और उस वक्त जब ये सवाल राजा कर रहा होता वो क्या सोच रहा है. यह 3 सवाल थे राजा के. अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से में. अब एबट ये सवालों को सुनकर चिंतित हो गया. उसने कहा, ओ किंग, दीज आर डीप हार्ड क्वेश्चंस एंड आई कैनॉट आंसर देम जस्ट नाउ. ये काफ़ी गहराई वाले और कठिन क्वेश्चन हैं, मैं तुरंत इनके जवाब नहीं दे सकता. But if you give me 2 weeks to think about them, I will do the best that I can. तो एबट ने 2 weeks मांग लिए. किंग जॉन ने कहा, 2 weeks you shall have. हाँ, आपको 2 सप्ताह मिलेंगे. But if then you fail to answer me, you shall lose your head and all your lands shall be mine. अब एबट के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इन सवालों के जवाब ढूंढने के. तो वो उस दरबार से निकला. द एबट लीव्स द कोर्ट, कोर्ट यानी दरबार, सैड एंड इन ग्रेट फियर, दुखी और डरा हुआ. ही राइट्स टू द फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड, द ऑक्सफोर्ड एंड द कैम्ब्रिज, टू फाइंड द आंसर्स, बट नन ऑफ द वाइज मैन आर एबल टू हेल्प हिम. तो वो जो इंग्लैंड की फेमस यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालय, वहाँ जाता है उत्तर की तलाश में, जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज, पर वहाँ पर भी जो वाइज मैन होते हैं वो उसकी मदद नहीं कर पाते. एट लास्ट, सैड एंड सोरोफुल, दुखी मन से, ही राइड्स टूवर्ड्स होम, वो घर की ओर चल देता है, टू बिड हिज फ्रेंड्स एंड हिज ब्रेव नाइट्स गुड बाई, कि मैं घर जाकर अपने दोस्तों को और अपने सिपाहियों को मैं अलविदा कह दूँ. क्यों? फॉर नाउ ही हैड लेस दैन अ वीक टू लिव, अब उसके पास 7 दिन से भी कम समय बचा था. अब सीन 2, यहाँ से दूसरा दृश्य शुरू होता है. इन द कंट्री साइड, यानी कि जहाँ एबट रहता था. एज द एबट राइड्स अप द लेन विच लीड्स टू हिज ग्रैंड हाउस, ही मीट्स हिज शेपर्ड गोइंग टू द फील्ड्स. तो रास्ते में एबट की मुलाकात उसके शेपर्ड यानी गडरिया से होती है, जो भेड़ बकरी चराता है. और शेपर्ड उसे देखकर खुश हो जाता है. वो कहता है, वेलकम होम गुड मास्टर, आपका अपने घर पे स्वागत है मालिक. व्हाट न्यूज़ डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम ग्रेट किंग जॉन, आप क्या समाचार लाए हैं राजा की ओर से? इस पर एबट जवाब देते हैं, सैड न्यूज़, सैड न्यूज़, और वो सारी बातें बता देता है शेपर्ड को. द एबट टेल्स द फुल स्टोरी टू द शेपर्ड. अब इस पर शेपर्ड क्या कहता है? वो दुखी नहीं होता है, वो कहता है, चीयर अप गुड मास्टर, हौसला रखिए मेरे मालिक, अच्छे मालिक. हैव यू नेवर येट हर्ड दैट अ फूल मे टीच अ वाइज मैन विट, क्या आपने ये हर्ड या नहीं सुना है कि कभी कभार एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान को सबक सिखा जाता है,
या उसे बुद्धि दे जाता है। आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट ऑफ योर ट्रबल, मैं शायद आपकी ट्रबल या परेशानी में मदद कर सकता हूँ, मैं आपको आपकी परेशानी से निकाल सकता हूँ। अब इस पर एबट आश्चर्यचकित हुआ, उसने कहा हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कैसे करोगे। अब शेपर्ड ने क्या जवाब दिया, वेल यू नो दैट एवरीबडी सेज दैट आई लुक जस्ट लाइक यू, आपको पता है कि सभी कहते हैं कि मैं आपकी तरह दिखता हूँ, जस्ट लाइक यू आपकी तरह, एंड दैट आई हैव समटाइम्स बीन मिस्टेकन फॉर यू, यानी कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे ही एबट समझा है, मिस्टेकन हुआ, मिस्टेक किया है या मुझे एबट समझा है। सो लेंड मी योर सर्वेंट्स एंड योर हॉर्स एंड योर गाउन, अब शेपर्ड ने क्या क्या मांगा एबट से, उसके नौकर, उसका घोड़ा और उसका गाउन जो अचकन, एंड आई विल गो अप टू लंडन एंड सी द किंग, और मैं जाऊँगा लंदन राजा से मिलने। इफ नथिंग एल्स कैन बी डन, यदि कुछ भी ना हो सका, आई कैन एटलीस्ट डाई इन योर प्लेस, मैं कम से कम आपके स्थान पर मर तो सकता हूँ। अब इस पर एबट रिप्लाई करता है, माई गुड शेपर्ड यू आर वेरी वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो, एंड आई हैव अ माइंड टू लेट यू ट्राई योर प्लान, और मैंने मन मना लिया है कि मैं तुम्हारी योजना के हिसाब से तुम्हें काम करने दूँ। बट इफ द वर्स्ट हैपन्स, यदि कुछ ऐसा हो गया, विपरीत हो गया, यू शैल नॉट डाई फॉर मी, तुम मेरी जगह पे नहीं मरोगे, आई विल डाई फॉर माई सेल्फ। सो द शेपर्ड गेट्स रेडी टू गो, वो तैयार होता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि उसने कैसे तैयारी की, ही ड्रेसेज हिमसेल्फ विद ग्रेट केयर, बहुत सावधानी पूर्वक वो तैयार होता है। ओवर ही शेपर्ड्स कोट, अपने अचकन के ऊपर में जो गडरिया पहना था, ही थ्रोज द एबट्स लॉन्ग गाउन, वो एबट के लंबे अचकन को पहन लेता है, एंड ही बोरोज द एबट्स कैप, उसकी टोपी ले लेता है, एंड गोल्डन स्टाफ, उसके पास जो सुनहरी छड़ी रहती है, स्टाफ यानी छड़ी, वो भी उससे वो मांग लेता है। देन ही माउंट्स हिज हॉर्स, फिर वो घोड़े पर चढ़ता है, एंड विथ अ ग्रेट ट्रेन ऑफ सर्वेंट्स सेट्स आउट फॉर लंडन, और एक लंबा ट्रेन यहाँ हो गया बच्चों, काफिला, नौकरों के काफिला के साथ में वो लंदन राजा जॉन से मिलने चल देता है। अब फिर ढूंढते हैं हम कुछ सवालों के जवाब। हाउ मच टाइम वॉज गिवन टू द एबट टू फाइंड द आंसर्स, 2 months, 2 weeks, 3 weeks, 3 days, और राइट आंसर क्या होगा, यस 2 weeks। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू हेल्प मी, हु सेड टू होम, किंग सेड टू द एबट सेड टू द शेपर्ड सेड टू द एबट सेड टू द वाइज मैन। तो ऐसे सवालों में आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि किसने कहा, किससे कहा, तो इसमें क्या होगा उत्तर सही, द एबट सेड टू द शेपर्ड। अगला सवाल, यू नो दैट एवरीबडी सेज दैट आई लुक जस्ट लाइक यू एंड दैट आई हैव समटाइम्स बीन मिस्टेकन फॉर यू। अब ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसने कहा, हु सेड टू होम, ऑप्शंस हैं द किंग सेड टू द एबट सेड टू द शेपर्ड सेड टू द एबट, या फिर द एबट सेड टू द वाइज मैन। पता कि ये पंक्तियाँ किसने कही थी, द शेपर्ड सेड टू द एबट। अगला सवाल, क्वेश्चन 11, विच ऑफ दीज थिंग्स वॉज नॉट बोरोड बाय द शेपर्ड। बच्चों जब भी एनओटी नॉट रहेगा, यानी कि नहीं, कि कौन से ऐसी चीज़ थी जो बोरोड या नहीं मांगी गई थी शेपर्ड के द्वारा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, द एबट्स कैप, द एबट्स लॉन्ग गाउन, द एबट्स गोल्डन स्टाफ, द एबट्स रेड वेलवेट कोट। यस द एबट्स रेड वेलवेट कोट, क्योंकि ये कोट तो उसके सिपाही पहना करते थे। क्वेश्चन 12, ही राइट्स टू द फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज टू फाइंड द आंसर्स बट नन ऑफ द वाइज मैन आर एबल टू हेल्प हिम। तो इन पंक्तियों के बाद सवाल है, व्हाट डू दीज लाइंस इंडिकेट, इन लाइंस को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है,
that Oxford and Cambridge were famous universities of England at that time, या फिर that the abbot was a foolish man, abbot मूर्ख था, या फिर that the wise men did not want to help him, वहाँ जो बुद्धिमान लोग थे या बुद्धिजीवी थे वो abbot की मदद या help नहीं करना चाहते थे, या फिर the questions were indeed difficult to answer, जो राजा के द्वारा क्वेश्चंस या सवाल पूछे गए थे वो सचमुच काफ़ी डिफ़िकल्ट थे. तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? यस, दैट द क्वेश्चंस वर इनडीड डिफ़िकल्ट टू आंसर. सवाल इतने कठिन थे कि वाइज मैन या जो बुद्धिमान व्यक्ति थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो बुद्धिजीवी थे वो भी इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए. क्वेश्चन 13. द एबट अलाउड द शेपर्ड to go to the king's court on one condition. What was that? That he should not take his train of servants, ki use naukaron ka kafila nahi diya jayega. That king john should not know his identity, raja ko yah pata na chale ki wo shepherd hai. That if the worst happened he shall not die for the abbot, yadi kuch ho gaya to shepherd abbot ke jagah apni jaan nahi dega. That if caught he should die instead of the abbot, यदि वो पकड़ा जाता है तो उसे abbot की जगह मरना होगा. तो इसका right answer होगा option C, that if the worst happened, यदि बुरा हो जाता है तो he यहाँ पे किसके लिए है? shepherd के लिए, कि shepherd shall not die, वो नहीं अपनी जान देगा for the abbot. कहानी में आगे क्या होता है? scene 3. तो बच्चों इस पूरे नाटक में तीन दृश्य हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे. किंग जॉन के दरबार में अब पहुंचता है अपना शेपर्ड एबट के भेष में. वेलकम सर एबट. अब किंग जॉन तो उसे जान नहीं रहा है तो वो उसे एबट ही समझते हैं और उसका स्वागत करते हैं कि आइए सर एबट. इट इज़ अ गुड थिंग दैट यू हैव कम बैक. ये अच्छी बात है कि आप आ गए वापस, यानी कि आप भाग नहीं गए. बट If you fail to answer my three questions, I shall cut your head. उन्होंने अपनी सजा दोहराई तो शेपर्ड ने कहा I am ready to answer them, O king. मैं ready हूँ, मैं तैयार हूँ. King John ने कहा indeed, indeed. हाँ हाँ. And he laughs to himself. वो मनी मन हंस रहे थे. Well then, answer my first question. तो first question क्या था? How long shall I live? मैं कितना समय जीऊँगा? Come, you must tell me today itself. और एबट आपको आज ही ये चीज़ मुझे बतानी है. बट का आंसर ध्यान से सुनेंगे. You shall live until the day that you die. आप तब तक जिएंगे जब तक आप नहीं मरेंगे. And not one day longer. और एक भी दिन ज़्यादा नहीं. And you shall die when you take your last breath. और तभी आपकी मृत्यु होगी जब आप अपनी लास्ट ब्रेथ या अंतिम सांस लेंगे. एंड नॉट वन मोमेंट बिफोर. और एक भी पल उसके पहले नहीं. मोमेंट यानी पहले. अब यह आंसर सुनकर द किंग लाफ्स. वो हंस पड़ा. यू आर विटी, आई सी. वो कहते हैं तुम हाजिर जवाब हो. बट वी विल लेट दैट पास. यानी कि मैं इसे मान लेता हूँ. एंड से दैट योर आंसर इज राइट. मैं मान लेता हूँ चलो और ये तुम्हारा जब जो आंसर है वो सही है. अब वो सेकेंड क्वेश्चन पे आता है. सेकेंड क्या है? एंड नाउ टेल मी हाउ सून आई मे राइड राउंड द वर्ल्ड. मैं कितने दिनों में दुनिया की सैर करूँगा, मैं दुनिया का एक चक्कर काटूँगा. अब इस पर शेपर्ड का जवाब क्या था? यू मस्ट राइज विद द सन. आपको सूरज के साथ जागना होगा. एंड यू मस्ट राइड विद द सन. और उसके साथ साथ आपको सवारी करनी होगी. अनटिल इट राइजेज अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग. जब तक कि वो अगले दिन सूर्योदय, जब तक कि अगले दिन सूर्योदय ना हो जाए. एज सून एज यू डू दैट यू विल फाइंड दैट यू हैव रिडन राउंड द वर्ल्ड इन 24 आवर्स. और आप जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे आप देखेंगे कि रिडन राउंड यानी कि आप सवारी करते हुए पूरी दुनिया की सैर सन के साथ में 24 घंटों में कर चुके होंगे. द किंग लाव्स अगेन. तो बच्चों राजा फिर हंसता है क्योंकि ये संभव है नहीं कि आप सूरज के साथ साथ धरती के चक्कर लगाओ. तो किंग जॉन कहते हैं इंडीड आई डिड नॉट थिंक दैट इट कुड बी डन सो सून.
बोले मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतने जल्दी चक्कर लगा लूँगा। यू आर नॉट ओनली विटी बट यू आर वाइज। अब वो उसे एक और उपाधि देता है कि तुम सिर्फ हाजिर जवाब ही नहीं, विटी ही नहीं, तुम समझदार भी हो। एंड वी विल लेट दिस आंसर पास। और चलो ये उत्तर भी मैं स्वीकार लेता हूँ। अब तीसरे सवाल की बारी थी, किंग जॉन ने कहा। एंड नाउ कम्स माई थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या था? वॉट डू आई थिंक, मैं क्या सोच रहा हूँ। अब शेपर्ड ने कहा तीसरे सवाल पे, दैट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, ये आसान सवाल है। यू थिंक दैट आई एम द एबट ऑफ कैंटरबरी, आपको लगता है ना कि मैं एबट हूँ कैंटरबरी का। बट टू टेल यू द ट्रूथ, अगर सच्चाई बताऊँ, आई एम ओनली हिज पुअर शेपर्ड, मैं तो उसका गरीब गडरिया हूँ। एंड आई हैव कम टू बेग योर पार्डन फॉर हिम, और मैं उनके तरफ से, उनकी ओर से बेग योर पार्डन यानी माफ़ी मांगने आया हूँ आपसे, उनके लिए भी एंड फॉर मी, मेरे लिए। एंड सेइंग दैट द शेपर्ड थ्रोज ऑफ हिज लॉन्ग गाउन, उसने जो एबट का भेस बनाया था, लंबी अचकन पहनी थी, वो उतार फेंकता है, थ्रोज ऑफ यानी कि वो फेंक देता है। अब क्या राजा उस पर गुस्साता है या देखो, द किंग लाफ्स लाउड एंड लॉन्ग, राजा हंस देता है, कहता है मेरी फेलो यू आर एंड यू शैल बी द एबट ऑफ कैंटरबरी इन योर मास्टर्स प्लेस। बोले तो मज़ेदार व्यक्ति हो और तुम अपने एबट की जगह पर एबट ऑफ कैंटरबरी बनोगे। अब इस पर शेपर्ड क्या कहता है? ओ किंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। फॉर आई कैन नाइदर रीड नॉर राइट, ना तो मैं पढ़ सकता हूँ ना मैं लिख सकता हूँ, यानी कि मैं साक्षर नहीं हूँ, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इलिटरेट। तो राजा उसे इनाम देने के लिए इच्छुक था, उसने कहा वेरी वेल देन, ठीक है फिर, आई विल गिव यू समथिंग एल्स, मैं कुछ और दूंगा, समथिंग एल्स यानी कुछ और, टू पे यू, ताकि मैं तुम्हें एक पुरस्कार दे सकूँ फॉर दिस मेरी जोक, ये जो तुमने आज चुटकुल्लों की तरह ये जो हंसाया है मुझे, इसके लिए आई विल गिव यू 4 pieces of silver एवरी वीक, मैं हर सप्ताह तुम्हें 4 चांदी के सिक्के दूंगा, 4 pieces एज लॉन्ग एज यू लिव, यानी जब तक जिंदा रहोगे। जैसे कि हम पेंशन पाते हैं ना, कोई व्यक्ति नौकरी के बाद भी उसे जब पैसे मिलते हैं, हम उसे पेंशन कहते हैं। एंड वेन यू गेट होम, जब तुम घर जाओ, यू मे टेल द ओल्ड एबट, जाकर अपने ओल्ड एबट या मालिक से कहना, दैट आई हैव पार्डन्ड हिम, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से। और ये कहकर किंग दोबारा हंसता है, एंड द कर्टन फॉल्स डाउन, और नाटक का समापन हो जाता है। अब हम आ गए हैं अंतिम सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, जल्दी से हम इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन 14, व्हाट वाज द शेपर्ड्स आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन? यू थिंक दैट आई एम द एबट ऑफ कैंटरबरी, ऑप्शन बी, You shall live until the day that you die. Option C, you must rise with the sun and ride with it. And option D, you shall never die if you rise with the sun. Yes, option B, you shall live until the day that you die. Question 15, that is an easy question. Which question was the shepherd referring to? The first question, द सेकेंड क्वेश्चन, या फिर द थर्ड क्वेश्चन? और इसका राइट आंसर है यस, द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे सवाल को उसने ईजी या आसान बताया। क्वेश्चन 16, वॉट डिड किंग जॉन डू वेन ही फाउंड आउट दैट ही वॉज डिसीव्ड? राजा जॉन ने क्या किया जब उन्हें पता चला कि उनके साथ छल हुआ है, क्योंकि शेपर्ड एबट बनकर आया था, डिसीव्ड हुआ था, उनके साथ छल हुआ है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ही पनिश्ड द शेपर्ड, ही प्रॉमिस्ड द शेपर्ड अ लाइफ टाइम पेंशन ऑफ 4 silver pieces अ वीक, ही पनिश्ड द शेपर्ड एंड द एबट, ही पार्डन्ड द शेपर्ड बट पनिश्ड द एबट। ही प्रॉमिस्ड द शेपर्ड अ लाइफ टाइम पेंशन, कि तुम जब तक जिंदा रहोगे मैं तुम्हें 4 silver pieces 4 चांदी के सिक्के साप्ताहिक देता रहूँगा। क्वेश्चन 17, वाई डिड किंग जॉन फॉरगिव द एबट एंड द शेपर्ड? बिकॉज ही वॉज हैप्पी विद द आंसर्स, बिकॉज ही लाइक्ड द शेपर्ड्स विट, बिकॉज द शेपर्ड कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव?
तो ऑल ऑफ द अबव यानी इनमें से सभी या उपरोक्त सभी हम जब कहते हैं, द राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। क्वेश्चन 18, हाउ डिड द शेपर्ड एक्सक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग मेड द एबट इन प्लेस ऑफ हिज मास्टर। जब किंग जॉन ने शेपर्ड से कहा कि मैं तुम्हें एबट बनाऊंगा, तो शेपर्ड ने क्या एक्सक्यूज दिया, क्या बहाना किया ताकि वो एबट ना बन सके अपने मालिक के जगह? ऑप्शंस हैं, बाय टेलिंग द किंग दैट हिज मास्टर मस्ट बी वेटिंग फॉर हिम, राजा से ये कहकर कि मेरे मास्टर या मालिक मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, बाय टेलिंग द किंग दैट हिज मास्टर वुड बी एंग्री, ये कहकर कि मेरे मालिक गुस्सा हो जाएंगे, बाय टेलिंग द किंग दैट ही वॉज इलिटरेट, या ये कहकर कि वो अनपढ़ था, या फिर बाय टेलिंग द किंग दैट ही डिड नॉट लाइक द ड्यूटी ऑफ एन एबट, ये कहकर कि मुझे एबट की नौकरी अच्छी नहीं लगती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, बाय टेलिंग द किंग दैट ही वॉज इलिटरेट, उसने बताया कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ। क्वेश्चन 19, व्हाई डू यू थिंक द शेपर्ड रिफ्यूज्ड टू बी द एबट ऑफ कैंटरबरी, आपको क्यों लगता है कि शेपर्ड ने मना किया एबट बनने से? इसके ऑप्शंस हैं, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू वर्क अंडर किंग जॉन, उसे डर लगता था किंग जॉन से, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज मास्टर द ओल्ड एबट, वो अपने ओल्ड एबट या मालिक से डरता था, बिकॉज ही लव्ड हिज मास्टर एंड डिड नॉट वॉन्ट टू रिप्लेस हिम, वो अपने मालिक से प्यार करता था और उनकी जगह पे उनका स्थान ग्रहण करना नहीं चाहता था, या फिर बिकॉज ही लव्ड द कंट्री साइड मोर, उसे अपना जहाँ घर था वो जगह ज़्यादा पसंद थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, बिकॉज ही लव्ड हिज मास्टर एंड डिड नॉट वॉन्ट टू रिप्लेस हिम। अब आते हैं अंतिम सवाल पे, क्वेश्चन 20, विच ऑफ दिज एडजेक्टिव्स इज नॉट सूटेबल फॉर द शेपर्ड। ऑप्शंस हैं वाइज, हार्श, विटी, लॉयल। तो इसका राइट आंसर है हार्श, बी यानी हार्श, जो कि राजा जॉन के लिए उपयुक्त था। तो यह थे बच्चों इस पाठ के इम्पॉर्टेंट MCQs, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेसन के MCQs के साथ। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू।